हेलो एवरी वन माई नेम इज़ नरेंद्र कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल एट द चंडीगढ़ करियर को सो गाइज वी आर कवरिंग द करंट अफेयर ऑफ ट्वेल्थ ऑफ मई एंड दिस करंट अफेयर इज़ क्वाइट रेलिवेंट फॉर सी डी एस सी ए पी एफ एन डी ए एस एस सी एज वेल एज स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन सो गाइज़ इफ यू वॉन्ट टू यूटिलाइज दिस वीडियो कम्प्लीटली फुली दैन वट यू नीड टू डू यू हैव टू पार्टिसिपेट जितना पार्टिसिपेट करोगे उतना कहीं ना कहीं आप ज़्यादा सीखोगे ओके okay? और यदि हम कोटेशन की बात करते हैं तो आपको जैसा कि पता है एजुकेशन इज़ द पासपोर्ट टू द फ्यूचर फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे यदि आप कहीं ना कहीं कल को अपना बनाना चाहते हो इसके लिए आपको आज मेहनत करनी पड़ेगी और पूरे फोकस के साथ मेहनत करनी पड़ेगी इसी कोटेशन के साथ जो है हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो है पहला सेगमेंट हमें देखने को मिलेगा राइट तो आज जो है हमारे पास इम्पोर्टेंट डे है राइट right? दो हमारे पास इंपॉर्टेंट डे दे आपको देखने को मिलेंगे लेकिन इससे पहले आपको यह बताना है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होगा राइट right? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब होगा पहला पॉइंट आपको ये जो है कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना अब तक रट जाना चाहिए अब तक चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए राइट right? वर्ल्ड एथलेटिक डे वर्ल्ड एथलेटिक डे कौन से डे को हम और कौन सी डेट को ऑब्जर्व करते हैं यह बताना है उसके बाद वर्ल्ड रेड क्रॉस डे उसके बाद आपको बताना है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्थ डे उसके बाद आपको कौन सा बताना है वर्ल्ड थेलेमिया डे इसके बाद आपको बताना है इंटरनेशनल आर्गेनियन डे इसके बाद आपको बताना है वर्ल्ड लेबर डे राइट right? ये सारे के सारे डे आपको क्या करना है कौन सी डेट को हम ऑब्जर्व करते हैं इसको सबको आपको क्या कर देना है लिख देना है यहाँ पे कमेंट बॉक्स के अंदर आई होप ये कहीं ना कहीं आप कर पाओगे क्यों क्योंकि हमने कल भी इसका बहुत अच्छे से रिवीजन किया था और यदि आप इतना कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है यदि नहीं कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए अब बढ़ते हैं हम हमारा जो आज का इंपॉर्टेंट डे है सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे देखने को मिलेगा जो डे पहला कौन सा है हमारे पास नेशनल टेक्नोलॉजी डे और यदि मैं नेशनल टेक्नोलॉजी डे की बात करता हूँ तो ये कब ऑब्ज़र्व किया जाता है इट इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन द इलेवंथ ऑफ मई राइट तो पहला पॉइंट मुझे क्या पता चला जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे होगा ये हम इसको ऑब्ज़र्व कब करेंगे सर एलेवंथ ऑफ मई को करेंगे कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए राइट right? और यदि मैं बात करता हूँ कि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है इसको जो है क्यों हम ऑब्जर्व करते हैं इलेवंथ ऑफ मई को इसके पीछे का रीज़न क्या है इसके लिए जो आपको क्या देखने को मिलेगा इन द ईयर 1998 में इंडिया ने क्या किया था न्यूक्लियर टेस्ट किया था न्यूक्लियर टेस्ट किया था सर कहाँ पे किया था इसको किया गया था पोखरण के अंदर तब से हम क्या करते हैं तब से जो है हम जो है इलेवंथ ऑफ मई को हम ऑब्जर्व करते हैं एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे राइट right? तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए अब उसमें क्या था जो ये तो था कि एक तो पोखरण में टेस्ट किया था ऐसा नहीं था जो पोखरण में टेस्ट किया था हमने 1998 में ये फर्स्ट टाइम हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था नहीं हमने जो है एक टेस्ट 1974 में भी किया था न्यूक्लियर टेस्ट ठीक है एक जो है हमने न्यूक्लियर टेस्ट क्या किया था नाइनटीन में भी किया था और इसको हमने क्या बोल दिया उसका नाम क्या था स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम था तो अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था ठीक है जो इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट था उसका नेम कोड क्या है या कोड नेम उसका क्या था तो आपको पता क्या होना चाहिए सर इसका जो नेम कोड था यह था स्माइलिंग बुद्धा और आपसे यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सर स्माइलिंग बुद्धा बेसिकली ठीक है स्माइलिंग बुद्धा समटाइम्स सीन इन न्यूज अब आपको यह बताना है यह क्या है तो यह क्या है स्माइलिंग बुद्धा इज द कोड नेम फॉर द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट ऑफ इंडिया जो कि कब हुआ था 1974 में हुआ था आई होप आपको समझ में आया होगा यदि हम बात करते हैं इसकी इस मिशन का नाम क्या था जो पोखरण में हुआ था 1998 में इसका नाम था शक्ति इसका नाम क्या था शक्ति ओके okay? तो अभी तक हमने क्या देखा अभी तक हमने ये देखा कि सर इलेवंथ मई को हम क्या करेंगे ऑब्जर्व करेंगे एज अ नेशनल टेक्नोलॉजी डे और यदि हमने उसको जो है नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑफ मई को हमने क्या किया ऑब्जर्व किया तो सर क्यों किया इसके पीछे के रीजन क्या थे इसके पीछे के रीजन ये थे बिकॉज इंडिया ने क्या किया था इंडिया ने जो था पोखरण में उस दिन जो है न्यूक्लियर टेस्ट को परफॉर्म किया था और इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट बन गई थी डेट कौन सी थी उस टाइम डेट थी ऑफ मई एट थ ऑफ मई को हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए नेशनल टेक्नोलॉजी डे और यदि हम इसके बारे में बात करते हैं तो सर उसका मिशन का नाम क्या था जब 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसका मिशन का नाम था मिशन शक्ति और मिशन शक्ति से आपको क्या पता होना चाहिए कि स्माइलिंग बुद्धा क्या था स्माइलिंग बुद्धा जो था कोड नेम था मिशन का नेम था किसके लिए जो हमने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया था इन द ईयर नाइनटीन अब यहां से जो शक्ति है शक्ति से आपको ये याद नहीं आएगा शक्ति से एक हमने क्या पढ़ा है एक हमने मिलिट्री एक्सरसाइज भी पढ़ी है राइट right? शक्ति जो है एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में होती है सर ये होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में ये किस किस के बीच में होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में और यदि मैं बात करता हूं इंडिया एंड फ्रांस के बीच में जो मिलिट्री एक्साइज होती हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा एक आपको देखने को मिलेगा वरुणा एक आपको देखने को मिलेगा गरुड़ा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा एक आपको देखने को मिलेगा शक्ति यदि मैं बात करता हूँ वरुणा की वरुणा मतलब की क्या पानी जल तो आपको क्या देखने को मिलेगा सर जो वरुणा होगी एक नेवल एक्सरसाइज होगी बिटवीन द इंडिया एंड द फ्रांस यदि मैं गरुड़ा की बात करता हूँ गरुड़ क्या हवा में उड़ता है तो ये क्या है एयरफोर्स एक्सरसाइज होगी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस एंड शक्ति जो है क्या है इट इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस यदि मैं मिलिट्री एक्साइज की बात कर रहा हूँ तो आपको एक और जो है चीज याद आनी चाहिए वो है खंजर जो खंजर क्या है खंजर भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज है जो किस किस के बीच में होती है सर इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में होती है राइट right? तो आई होप यहां से आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिली होंगी राइट right? बढ़ते हम अपने नेक्स्ट जो है न्यूज की तरफ नेक्स्ट डे की तरफ लेकिन सबसे पहले हमें लगता है कि हमें पहले रिवीजन कर लेना चाहिए तब कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए तो पहला आपको पॉइंट यह बताना है कि आपसे पूछा जाए अब नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब होगा नेशनल टेक्नोलॉजी डे हम ऑब्जर्व कब करते हैं पहला पॉइंट ये पूछा जा सकता है आपसे दूसरा पॉइंट आपको ये बताना है कि मिशन 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 शक्ति 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 क्या था? शक्ति क्या था था आपको दो देखने को मिलेंगे राइट ये तो हमारा क्या था एक था हमारा एंटी सेटेलाइट मिशन वो अलग बात है लेकिन यहां पे मैं इन कंटेक्सट ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पूछ रहा हूं ये कब परफॉर्म किया गया था उसके बाद आपको ये बताना है स्माइलिंग बुद्धा स्माइलिंग बुद्धा ये कौन सा जो है न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने क्या था जिसका ये कोड नेम था आपको उसका क्या करना है ईयर भी बताना है साथ में आपको क्या करना है शक्ति से आपको ये बताना है कि शक्ति एक्सरसाइज किस -किस, एक किस, किस किस के बीच में होती है और किस टाइप की एक्सरसाइज है वरुणा किस किस के बीच में होती है और किस टाइप की एक्सरसाइज है गरुड़ा किस किस के बीच में होती है किस किस के बीच में ये जो है आपको क्या देखने मिलेगा एक्सरसाइज देखने में मिलेंगे और किस टाइप की एक्सरसाइज होंगी साथ में आपको बताना है खंजर खंजर बेसिकली क्या है क्या किस टाइप की एक्सरसाइज है और किस किस के बीच में होती है राइट right? तो कहीं ये सारे के सारे आंसर आई एम एक्सपेक्टिंग जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं जो न्यू व्यूवर्स हैं आई डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम दे आर न्यू तो उनको थोड़ा थोड़ा पेस पिकअप करने में टाइम लगेगा बट जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि वो सारे के सारे आंसर करेंगे और उनके लिए काफी ईजी होना चाहिए राइट आई होप यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली न्यूज की तरफ जहां पे आपको क्या क्या देखने मिलेगा अगला जो डे है ये है इंटरनेशनल नर्सिस डे इंटरनेशनल नर्स डे और इंटरनेशनल नर्स डे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑन 12th ऑफ मई तो 11th ऑफ मई को हमने क्या किया सर नेशनल टेक्नोलॉजी डे को ऑब्जर्व कर लिया और 12th ऑफ मई को हमने सर क्या कर लिया इंटरनेशनल नर्स डे को ऑब्जर्व कर लिया आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा यदि मैं बात करता हूं कि सर हम टेल्थ ऑफ मई को ही इंटरनेशनल नर्सिस डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें बेसिकली आपको क्या देखने मिलेगा कि को आपको देखने मिलेगी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ एंगलोर है फिर भी इन्हीं के नाम पर हम क्यों इंटरनेशनल नर्सिस को जो है क्या करते हैं ऑब्जर्व करते हैं पता होगा कि जब आपका कैच चल रहा था क्रीमियन वॉर चल रहा था राइट right? जब क्रिमिनल वॉर चल रहा था उसमें जो है इन्होंने क्या किया था उसमें जो इन्होंने डूइंग द वॉर अपनी जो ये बेसिकली एक नर्स थी और इन्होंने बहुत अच्छी सर्विसेज दी थी और उसी सर्विसेज के लिए क्या किया था जो यूके का क्या था जो यूके क्या करती है ऑर्डर ऑफ मेरिट को इशू करती है राइट right? तो इनको जो है उसके लिए अवार्ड भी दिया गया था राइट right? तो ये आपको पॉइंट अच्छे से याद रखना चाहिए तो इसीलिए हम क्या करते हैं हम ऑब्जर्व करते हैं ट्वेल्थ मई को एज ए इंटरनेशनल नर्स डे क्यों क्योंकि इस दिन आपको क्या देखने को मिलेगा बर्थ एनिवर्सरी ऑफ देंस नाइट एंगल और यदि आपसे पूछा जाए कि सर इसकी थीम क्या होगी थीम इसकी ये है नर्सिस अ वॉइस टू लीड क्या बोला जा रहा है नर्सिस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर तो यहां पर आपको यह पॉइंट याद रखना है नर्सिस अ वॉइस टू लीड ठीक है, a vision for future healthcare. अब आपको क्या करना है, ये दो से तीन बार रिपीट कर देना है ये है, ये लाइन को. जो क्या हो हो हो, जाएगा, आपको याद जाएगी. मेरे साथ भी रिपीट कर सकते और खुद से भी करना चाहते हो तो आप कर सकते हो नर्सिस अ वॉइस टू लीड विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर क्या आएगी थीम? थीम होगी नर्सिस और थर्ड टाइम हम क्या बोलेंगे तो ये आपको पता चला इंटरनेशनल नर्सिस तो को बर्थ एनिवर्सरी होगी क्योंकि क्या किया था क्रीमियन वॉर में बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन किया था और इन्होंने कहीं ना कहीं लाखों जो सोल्जर्स की जान बचाई थी अपनी मेडिकल सर्विसेज के द्वारा दैट्स वाई इनको क्या किया गया था उन्नीस में ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था यूके गवर्नमेंट की तरफ से

तो गाइस यहां से मुझे क्या क्या पता चला यहां से मुझे यह पता चला कि इंटरनेशनल नर्सिस डे कब होगा सर इंटरनेशनल नर्सिस डे होगा ट्वेल्थ मई को सर इसकी थीम क्या होगी इसकी थीम होगी नर्सिस अ अ वॉइस वॉइस लीड, लीड। नर्सिस आगे क्या आएगा अ विज़न फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर ठीक है वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर ये पॉइंट आपको याद रखना है और यदि मैं बात करता हूं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस की सर इसको फाउंड किया गया 1899 में इसका हेडक्वार्टर हमें जिनेवा में देखने को मिलेगा और साथ ही में सर हमें क्या देखने को मिलेगा जो इसकी प्रेसिडेंट है ये है एनएटी कैनेडी राइट ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए तो आई होप ये जो डेज़ हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से याद हो गए होंगे तो सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ इलेवंथ ऑफ मई को कौन सा डे हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा ये है कौन सा ये नेशनल टेक्नोलॉजी डे आपको देखने को मिलेगा क्यों ऑब्ज़र्व किया जाता है ये आपको बताना है आपको स्माइलिंग बुद्धा का बताना है कि ये मिशन कब आया था उसके बाद आपको ये बताना है कि यदि मैं बात करता हूँ शक्ति की मिशन शक्ति की तो ये कब आया है उसके बाद आपको ये बताना है कि शक्ति एक्सरसाइज किस किस के बीच में होती है और ये किस टाइप की एक्सरसाइज है वरुणा किस किस के बीच में होती है और किस टाइप की एक्सरसाइज है गरुड़ा किस किस-किस के बीच में होती है? किस टाइप की एक्सरसाइज है साथ में आपको ये आपको राइट सारे -सारे right? उसके बाद यदि बढ़ रहा हूं तो आपको ये बताना है कि आपका क्या आएगा इंटरनेशनल या वर्ल्ड नेशनल होगा आपको क्या करना है इसका जो है बताना है कि डे कौन सा होगा साथ में आपको यह बताना है इसको ऑब्जर्व क्यों किया जाता है ऑब्जर्व क्यों किया जाता है क्या होता है ऐसा इस दिन और साथ में आपको क्या करना है यह बताना है कि थीम इसकी क्या होगी थीम के साथ साथ आपको गाइड यह भी बताना है कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस आपको जो है इसको फाउंड कब किया गया फाउंडिंग इसकी आपको डेट बतानी है साथ में आपको ये बताना है इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा साथ ही में आपको क्या करना है ये बताना है कि आपको क्या देखने को मिलेगा आपको जो है इसके प्रेसिडेंट कौन देखने को मिलेंगे राइट right? जो बच्चे लाइव देख रहे हैं आई अंडरस्टैंड उनके लिए इतने सारे क्वेश्चंस को कहीं ना कहीं आंसर करना इज क्वाइट डिफिकल्ट और इतना जल्दी टाइप नहीं कर पाओगे आप लेकिन जो बच्चे ऑफलाइन देखते हैं ऑफलाइन मेरा मतलब यह है कि जब लाइव स्ट्रीम में नहीं देख रहे हैं बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं आपको क्या करना है एक क्वेश्चन जैसे पूछा जाए वीडियो को पॉज कर लेना और जैसे वीडियो को पॉज किया फिर वन बाय वन सारे के सारे आंसर लिखना स्टार्ट कर देना कहीं ये आपको बहुत ही जो है लेंथी प्रोसेस देखने को मिलेगी लेकिन ट्रस्ट मी यदि आपने ये सारा का सारा कर लिया ना बहुत अच्छी चीजें याद हो जाएंगी डर नहीं लगेगा जीके से कभी ठीक है बड़े आगे अब आपको क्या देखने मिलेगा अवार्ड्स ऑनर एंड एज वेल एज प्लेस इन न्यूज क्या देखने को मिलेगा एज प्लेस इन न्यूज सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा एक आपको ये देखने को मिलेगा अर्व वर्ल्ड नोबेल प्राइज ओके अब आपसे पूछा जा सकता है कि इस बार का जो अर्व वर्ल्ड का जो नोबेल प्राइज होता है ये किसको मिला है ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि, कि किसी इंडियन को मिला है तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा या नहीं होगा ऑब्वियसली होगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा ये मिला है डॉक्टर तहरा कुतुबुद्दीन को किसको मिला है डॉक्टर तहरा कुतुबदीन को क्यों क्योंकि इनका एक लिटरेचर था जिसका नाम क्या है आर्ट एंड फाउंडेशन इसके लिए इनको क्या मिला है वो अरब वर्ल्ड का जो नोबल प्राइज होता है वो मिला है मिला किसको है सर ये मिला है डॉक्टर तहरा कुतुबदीन को कुतुबद्दीन को राइट तो आई होप ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए तो अभी तक आपको आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट टाइम जो है ऐसे कौन सी इंडियन है जिनको वर्ल्ड का जो आपको अरब वर्ल्ड है इसका नोबल प्राइज देखने को मिलेगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए आपका आंसर होना चाहिए सर किसको मिला है डॉक्टर थेरा कुतुब्दीन को मिला है कोई दिक्कत की बात तो नहीं होनी चाहिए इसमें कि किसको मिला है डॉक्टर थेरा कुबद्दीन को मिला है आई होप यहाँ तक अच्छे से याद में आ गया होगा आपके अगला जो अवार्ड हमारे पास है ये है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड अगला अवार्ड कौन सा है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड ग्रीन से मतलब कि क्या जो आपका हरियाली ऊर्जा मतलब कि क्या है Energy. Energy तो मतलब क्या ग्रीन एनर्जी अवार्ड क्या है जहां पे आपके इसको हम क्या कहेंगे इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है अवार्ड इस बार किसको मिला है तो ये मिला है किसको जो आपकी क्या देखने मिल जाएगी आई आर ई डी ए ये क्या है एक एजेंसी है जिसका नाम क्या है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसको जो है अवार्ड मिला है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड और ये जो है आईआरईडीए -E को फाउंड कब किया गया इन द ईयर 1987 और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने मिलेगा न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा अच्छा यहां से आप ये बताना कि यदि मैं बात करता हूं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस की ठीक है यदि मैं बात करता हूं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिस की तो आपको ये बताना है कि इसको जो है फाउंड कब किया गया इसको जो है फाउंड कब किया गया उसके बाद इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा और आपको यह बताना है कि इसके प्रेसिडेंट कौन है उसके बाद यदि मैं बात करता हूं आई आर ई डी ए यह क्या बन गया आपका यह बन गया इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी इसका जो है इसको फाउंड कब किया गया और इसका हेडक्वार्टर आपको कहां पे देखने को मिलेगा और इस बार का आपको यह बताना है ग्रीन ऊर्जा अवार्ड किसको मिला है और उसके बाद आपको क्या देखने को मिलेगा उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अर्व वर्ल्ड का नोबेल प्राइज मिला है डॉक्टर कुतुब कुतुबुद्दीन को राइट ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है सो क्या मैं आपसे क्यों बोलता हूं आप टाइप करो ठीक है आप पार्टिसिपेट करो क्यों क्योंकि इससे आपका फोकस बनता है यदि आप सिंपल सी चीजें सुनना स्टार्ट कर दोगे ना इस लेक्चर को सिर्फ सुनना स्टार्ट करोगे तो कुछ भी आपके दिमाग में नहीं जाएगा जब आप पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं ना कहीं चीजें सोचनी पड़ेगी आपको फोकस के साथ पढ़ना पड़ेगा तब जाके चीजें याद होंगी राइट आई होप यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा उसके बाद हमारे पास एक और अवार्ड्स हैं ये हमें क्या देखने मिलेंगे ये हमें देखने मिलेंगे लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड क्या देखने मिलेंगे लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड यदि मैं लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स की अवार्ड वो, की बात करता हूं तो इसमें आपको दो नाम याद रखना है एक आपको क्या देखने मिलेगी जापान की टेनिस प्लेयर देखने को मिलेगी जिनका नाम क्या है नोआमी ओकोहारा नोआमी ओसाका आई एम सॉरी ठीक है नोआमी ओसाका एक है नोआमी ओकोहारा जो नोआमी ओकोहारा है ये बेसिकली आपको क्या देखने मिलेंगे शी इज एसोसिएटेड विद द बैडमिंटन लेकिन जो नोआमी ओसाका है शी इज एसोसिएटेड विद द टेनिस और यदि मैं बात करता हूँ लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में तो नुआमी जो असाका है जो नुआमी असाका है ये बेसिकली क्या देखने को मिलेगा आपको वर्ल्ड नंबर टू ठीक है यदि हम इनकी ए रैंकिंग की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड नंबर टू है इस टाइम वुमेन्स में तो उनको मिला है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ठीक है तो अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन कि सर यदि हम बात करते हैं किसके बारे में लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स के बारे में बात करते हैं तो स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको मिला है तो उसे ये मिला है आपके नवामी ओसाका को और यदि मैं बात करता हूं लोरियास जो आपको देखने मिलेगा स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का टाइटल किसको मिला है यह मिला है स्पेन के जो प्लेयर है, इनका नाम क्या है रफायल नडाल राइट तो इनको बेसिकली क्या मिला है लोरियास का स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो इसी बात पर आपको यह बताना है जो अरब वर्ल्ड का नोबल प्राइज है यह कौन सी इंडियन को इस बार मिला हुआ है राइट साथ में आपको यह बताना है कि यदि मैं बात करता हूं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर यदि मैं बात करता हूं लॉरियास की तो कौन है और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर लॉरियास में कौन है राइट right? ये सारे सारे के पॉइंट आपको क्या करने हैं बताने हैं और ग्रीन ऊर्जा अवार्ड बेसिकली इस बार किसको मिला है ये आपको बताना है आई आरई डी ए राइट इंडियन रिन्यूबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को मिला है ओके सो गाइस अब यहां से लगेगा आपका पता कि आप हो कितने पानी में ठीक है तो सबसे पहले आपको यह बताना है कि ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे ठीक है ऑस्कर अवार्ड्स हुए थे ऑस्कर अवार्ड में सबसे पहले आपको बताना है बेस्ट पिक्चर कौन सी होगी उसके बाद आपको यह बताना है बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है उसके बाद आपको बताना है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है उसके बाद आपको बताना है बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसको मिला है राइट ये पॉइंट आपको बताने हैं इसके बाद आपको बताना है ई पंचायत अवार्ड कौन सी स्टेट को मिला है ऐसी जो है आपको कौन सी इंडियन वूमेन देखने को मिलेगी फर्स्ट इंडियन वूमेन जिनको वाइल्ड इनोवेटर का अवार्ड मिला है उसके बाद आपको क्या देखने मिलेंगे उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन का अवार्ड किसको मिला हुआ है कौन सी इंडियन थी ये बेंगलुरु बेस्ड है बेसिकली यदि मैं बात करता हूं यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में तो ये किसको मिला हुआ है

चोलिया जो बेसिकली क्या है डायरेक्टर है नूमेडलैंड की और ये बेसिकली क्या बनी है फर्स्ट एशियन मिली है जिन एशियन डायरेक्टर बनी है जिनको अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन ठीक है बेस्ट एक्ट्रेस कौन है ये इनका नाम है फ्रांसिस मैकडोरमेंट याद रखना है ये उसके बाद आपको कौन देखने को मिलेंगे बेस्ट एक्टर कौन है इनका नाम है एंथोनी हॉपकिंस एंथोनी हॉपकिन आपको देखने को मिल जाएंगे राइट ई पंचायत अवार्ड की बात करता हूं तो किसको मिला है सर ये मिला है आपके उत्तर प्रदेश को और यदि मैं आपको बात करता हूं फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गेट द वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड ये कौन है कृति कृति कारनाथ कारनाथ को मिला है राइट right? यदि इसके बाद मैं बात करता हूं जापान ऑर्डर ऑफ राइजिंग संघ के बारे में बेंगलुरु वेस्ट एन का नाम क्या है श्यामला गणेश श्यामला गणेश इनका नाम देखने को मिल जाएगा आपको राइट right? यदि मैं बात करता हूँ यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज के बारे में तो ये किसको देखने मिलेगा ये देखने को मिला है मारिया रेसा को और बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड किसको मिला है पिंक को मिला है ग्लोबल विजन अवार्ड किसको मिला है सर ये मिला है गीता मित्तल को गीता मित्तल बेसिकली क्या है गीता मित्तल जो है फॉर्मर चीफ जस्टिस रह चुकी है कहां की जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की Done. इसके बाद आपको क्या देखने मिलेगा सर बेस्ट एक्टर अवार्ड का अवार्ड जो है किसको मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इसका नाम क्या होगा इसका नाम होगा इनका नाम होगा क्या अनुपम खेर अनुपम खेर क्यों कौन सी मूवी के लिए इनकी जो है कौन सी मूवी के लिए मिला है इनकी एक शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम क्या है हैप्पी बर्थडे ठीक है इसके लिए मिला है तो गाइस ये सारे के सारे जो है पॉइंट आपको याद होने चाहिए ओके गाइस आप लोगों का सजेशन चाहिए मुझे एक पॉइंट पे सजेशन ये है आई एम थिंकिंग अबाउट दैट आई शुड स्टार्ट ठीक है कि मेरे को क्या स्टार्ट करना चाहिए कि वीकेंड पे मैं आपका रिवाइज करवाना स्टार्ट कर दूं जैसे ये आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चंस ऐसे ही जो है क्वेश्चंस होंगे उसमें जहां पे डेज के अलग से होंगे राइट वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा वहां पे जो है आपके इंपॉर्टेंट डेज अलग होंगे अवार्ड अलग होंगे जो हमने पूरे वीक में पढ़ा होता है फिर इस तरीके से हम उनका यदि रिविजन करना स्टार्ट करें तो इज इट अ गुड आइडिया और बैड आइडिया यू आर फ्री टू एक्सप्रेस योर थाट्स इन द कमेंट बॉक्स आपको जो है बताना है और मुझे लगता है कि आपका रिस्पॉन्स इतना है कि मुझे क्या करना चाहिए मुझे वीकेंड पर एक ऐसी वीडियो लेके आनी चाहिए जहां पर जो है मैं आपका पूरे वीक का रिविजन करवा दूँ तो कहीं ना कहीं तभी मैं ये स्टार्ट कर पाऊंगा यदि आप लोग चाहते हो ये वीडियो अदरवाइज देर इज अ नो पॉइंट टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ अ वीडियो राइट तो आपको क्या करना है कोई हेजिटेशन नहीं रखनी है यदि आप चाहते हो तो यस बोल देना यदि नहीं चाहिए चाहते हो तो नो बोल देना कोई दिक्कत की बात नहीं है आई होप यहाँ तक आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा बढ़े आगे अब हमें नेशनल इवेंट्स की तरफ हम बढ़ेंगे नेशनल इवेंट्स में हमारे पास क्या है कि आपको क्या देखने को मिलेगा सीबीएससी देखने को मिलेगा राइट right? यदि मैं सीबीएस की बात करता हूं तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसने एक लॉन्च किया है मोबाइल ऐप जिसका नाम क्या है दोस्त फॉर लाइफ ठीक है अब क्या बोला गया है दोस्त फॉर लाइफ ये क्या है एक एप्लीकेशन है किसके द्वारा बनाई गई है ये सेंटर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा सीबीएसई के द्वारा बनाई गई है राइट right? ये बेसिकली ऐप में मेन काम क्या क्या किया जाएगा इसमें काउंसलिंग की जाएगी सर कैसी काउंसलिंग सर रिलेटेड टू एजुकेशन नहीं सर रिलेटेड टू द साइकोलॉजी रिलेटेड टू द साइकोलॉजी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड किसके साथ में एंड पेरेंट्स पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी क्या है ये इस ऐप के द्वारा क्या की जाएगी कहीं ना कहीं जो है उसके काउंसलिंग की जाएगी और यदि मैं बात करता हूं सर सी के बारे में तो सी का जो है आपको कब फाउंड किया गया था सी को फाउंड किया गया था सर इन दर नाइनटीन सिक्सटी इन द ईयर नाइनटीन अब मेरे को यदि नाइनटीन सिक्सटी है तो आपको ये बताना है 1961 में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये पिक्चर में आई थी बेसिकली हमने ये एक्स ये दो ऑर्गेनाइजेशन ने साथ में पढ़ी थी एंड दोनों दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से रिलेटेड है एक 1961 में आपको ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी जिसका नाम क्या था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड वाइल्ड लाइफ फंड और एक आपको क्या देखने को मिलेगा आयु सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर राइट आपको सारे के सारे पॉइंट जो है याद रखने हैं यदि मैं बात करता हूं सीबीएसई के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ साइंस एजुकेशन के बारे में तो ये कब फाउंड किया गया इसको फाउंड किया गया इन द ईयर 1962 सिक्सटी टू हेडक्वार्टर आपका इसको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा और इसके जो चेयरमैन होंगे ये कौन है मनोज आहूजा इनका नाम क्या है मनोज आहूजा इनका नाम है तो अभी तक हमने क्या क्या देखा है सर हमने ये ये सीखा है कि दोस्त फॉर लाइफ ये क्या है सर इट इज़ अ मोबाइल एप्लीकेशन एक मोबाइल एप्लीकेशन है किसके द्वारा बनाई गई है ये बनाई गई है सर सी बी एस सी के द्वारा और यदि सर आप मुझसे सी बी एस ई के बारे में पूछोगे तो इसको फाउंड किया गया था इन द ईयर नाइनटीन सिक्सटी टू मनोज आहूजा आपको क्या देखने को मिलेंगे सर इसके चेयरमैन देखने को मिलेंगे और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है डेली के अंदर देखने को मिलेगा आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा तो आपको ये बताना है दोस्त फॉर लाइफ ठीक है ये ऐप किसके द्वारा बनाई गई है पहले उसका नाम बताना है राइट right? उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड कब किया गया ये बताना है इसके प्रेसिडेंट कौन है यह बताना है साथ में इसका हेडक्वार्टर कहां पे है यह बताना है राइट right? ओके okay? अब बढ़ते हैं हम इंटरनेशनल इवेंट्स की तरफ जहां पे हमें क्या देखने को मिलेंगे जो है हमें देखने को मिलेंगे खड़गा प्रसाद शर्मा ओली के पी शर्मा ओली खड़गा प्रसाद शर्मा ओली बेसिकली ये क्या कर गए हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस क्या कर गए हैं लूज कर गए हैं इन द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ठीक है अब आपको यही पता चल रहा होगा सर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता क्या है ठीक है तो बेसिकली जो है नेपाल के अंदर क्या देखने को मिलेगा यदि हम नेपाल की बात करते हैं यदि हम इंडिया की बात करते हैं यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा यहां पे सर आपको देखने को मिलेगा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का एक फीचर होता है जिसमें क्या करते हैं जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है जो मेजोरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है अब सर मेजोरिटी पार्टी पार्टी कैसे डिसाइड होगी सर मेजोरिटी पार्टी वो पार्टी होती है जिसको इलेक्शन में जो है क्या मिले होते हैं इलेक्शन में फिफ्टी परसेंट प्लसेंट प्लस वन जो है सीट्स हैं वो बेसिकली क्या कहते हैं उसको मेजोरिटी पार्टी कहते हैं और मेजोरिटी पार्टी क्या करती है कही न, कहीं ना कहीं फॉर्म करती है गवर्नमेंट को राइट आई होप यहां तक समझ में आया होगा अब ये जो है गवर्नमेंट जो है ये पार्टी गवर्नमेंट कब तक बना पाएगी जब तक ये मेजोरिटी इंजॉय कर रही है जब तक ये क्या कर रही है मेजोरिटी को इंजॉय कर रही है मतलब जब तक इस पार्टी के पास क्या है 50 जो है 50 प्लस जो सीट्स हैं किसके अंदर सर पार्लियामेंट के अंदर राइट right? तब ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं क्या है गवर्नमेंट का गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस के अंदर है गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार चला सकते हैं पार्टी के अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो सरकार बना सकते हैं बिकॉज दे आर हैविंग 50 परसेंट प्लस वन सीट्स लेकिन आपको पता है कि जो आपके एम पी होते हैं समटाइम ये क्या कर लेते कर लेते हैं पार्टीज को चेंज कर लेते हैं पार्टीज को चेंज कर लेते हैं तो क्या होगा जैसे ही पार्टीज को चेंज किया जाता है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे जो नंबर ऑफ सीट्स हैं नंबर ऑफ द सीट्स हैं उस पार्टी के द्वारा जो जीती गई हैं वो भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएंगी चेंज हो जाएंगी कम हो जाएंगी क्यों क्योंकि सर एमपी ने जो है ये सीट कहीं ना कहीं जितवा के पार्टी को दी थी जैसे एमपी चला जाएगा उसके साथ सीट भी चली जाएगी तो यहां पे क्या होगा समटाइम फिर धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बन जाती है जब पार्टी के पास क्या रह जाएंगी लेस देन 50 परसेंट प्लस वन जो है सीट रह जाएगी तब क्या पार्टी जो है क्या कर रही है कॉन्फिडेंस इंजॉय कर रही है तब कॉन्फिडेंस इंजॉय नहीं कर रही है तो क्या ये गवर्नमेंट फॉर्म कर पाएगी गवर्नमेंट को फॉर्म नहीं कर पाएगी राइट right? तो अब क्या होगा अब ऑपोजिशन को पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है क्या करेगा Opposition को ये पता चल गया कि जो मेजोरिटी पार्टी है इसके पास क्या क्या है है अब जो है 50 प्लस वन से कम है, तो लेके आएगी opposition party की लेके आएगी ठीक है नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या लेके आएगी नो कॉन्फिडेंस मोशन अब इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में जो है अब क्या किया जाएगा जो जिस पार्टी ने गवर्नमेंट फॉर्म की है उसको बोला जाएगा कि आप क्या करो अपनी मेजोरिटी को प्रूव करो आप क्या करो अपनी मेजोरिटी को प्रूफ करो यदि उन्होंने अपनी मेजोरिटी को प्रूफ कर दिया तो क्या हो जाएगा तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या हो जाएगा फेल हो जाएगा कि सर कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है जो मेजोरिटी पार्टी है ये क्या है कॉन्फिडेंस में लेकिन जैसे ही क्या होगा आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन यदि पास हो जाता है तो क्या हो जाता है तो गवर्नमेंट फॉल हो जाती है तो क्या हो जाता है गवर्नमेंट फॉल हो जाती है और ये जो मेजोरिटी पार्टी पहले गवर्नमेंट बना के बैठी हुई थी ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बनाने के अधिकार से क्या हो जाती है वंचित हो जाती है इसको हम कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन और तो क्या हुआ है यहां पे केपी शर्मा ओली पर ने क्या किया है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया मतलब कि क्या नो कॉन्फिडेंस मोशन कहीं ना कहीं नेपाल के अंदर क्या हो गया सर पास हो गया इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब ये होगा कि अब जो है खड़गा प्रसाद शर्मा ओली गवर्नमेंट नहीं बना पाएंगे नेपाल के अंदर इसका मतलब क्या है सर आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर कोई भी नहीं है नेपाल के अंदर अब जो नेपाल के अंदर आपको अपोजिशन पार्टी देखने को मिलेगी वहां पर क्या करेंगी जो वहां के प्रेजिडेंट है जिनका नाम क्या है विद्या देवी भंडारी ये क्या करेंगी दूसरी पार्टीज़ को मौका देगी कि वो क्या करें

अगले सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हमें स्पोर्ट्स देखने को मिलेगा और स्पोर्ट्स में जो है एक काफ़ी दुखद जो है हमें समाचार हमें देखने को मिल रहा है जो क्रिकेट प्रेमी हैं जो न्यूजीलैंड के जो विकेट कीपर बैट्समैन थे जिनका नाम क्या था बी.जे. वॉटलिंग था इन्होंने क्या बोला है इन्होंने ये बोला है जैसे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप कंप्लीट होगी खत्म होगी उसके बाद ये क्या कर लेंगे रिटायरमेंट ले लेंगे इन्होंने इसके पीछे रीजन ये बताया कि कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि क्रिकेट में यदि क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो चुका है आज की डेट में कि यदि आपको क्या करना है क्रिकेट के अंदर सर्वाइव करना है तो आपको पूरा फोकस देना पड़ता है आप घर वालों को टाइम नहीं दे पाते हो तो ये बेसिकली क्या हो गए जिंदगी है इससे भागदौर इस थक गए हैं और इन्होंने क्या बोला कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से मैं रिटायरमेंट ले लूंगा

राइट right? तो नेपाल की प्रेसिडेंट आपको देखने मिलेगी विद्या देवी भंडारी और नेपाल की नेपाल की क्या है जो कैपिटल है ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी सर ये देखने को मिलेगी हमें काठमांडू में राइट right? ये छोटे छोटे पॉइंट ना बहुत इजीली रट जाने चाहिए अभी तक तो ठीक है यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में यदि मैं बात करता हूँ आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड कौन होंगी जैकिंडा आर्डन जैकिंडा आर्डन और यदि मैं बात करता हूँ करंसी की तो करंसी क्या होगी ये होगी न्यूजीलैंड डॉलर राइट आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा अब बढ़ते हैं हम अपनी अगली सेगमेंट की तरफ जहां पे हमें रिपोर्ट्स एंड इंडे देखने को मिलेंगे हमारे पास कोई भी नहीं है डिफेंस के हमारे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आज जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा क्या देखने को मिल जाएगी एक्साइज देखने को मिल जाएगी यदि जो है पैसेक्स एक्साइज की बात करता हूं तो फुल फॉर्म इसकी क्या है पास से बन गया पैसेज एक्स से बन गया एक्साइज

तो गाइस यदि मैं बात करता हूँ किसके बारे में यदि मैं बात करता हूँ पैसेक्स एक एक्सरसाइज के बारे में तो आपको क्या देखने को मिलेगा ये किस किस के बीच में होती है सर ये होती है आपकी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में और यदि मैं इंडिया और इंडोनेशिया के बारे में बात करता हूँ तो सर क्या देखने मिलेगा ये आपको नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलेंगी पैसेक्स और यदि मैं बात करता हूं इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट की ये कौन है जोको पहले भी जो कोई बारी बता चुका हूं और आपको कैपिटल कहां पे देखने मिलेगी जकार्ता के अंदर देखने, देखने को मिलेगी और जो है इंडोनेशियन रुपया आपको इसकी करेंसी देखने को मिलेगी और यदि मैं बात करता हूं किसके बारे में यदि मैं बात करता हूं इंडियन नेवी के बारे में तो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन देखने को मिलेंगे इनका नाम क्या है एडमिरल करमबीर सिंह और यदि मैं बात करता हूं कि बेसिकली जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे देखने को मिलेगा नेवी का ये न्यू न्यूडेली के अंदर ही देखने को मिलेगा आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा तो सबसे पहले आपको क्या बताना है सर सबसे पहले आपको यह बताना है कि पेसेक्स एक्सरसाइज किस-किस के बीच में होती है पेसेक्स एक्सरसाइज की यदि मैं बात करता हूं किस-किस के बीच में होती है दूसरा पॉइंट गाइस आपको यह बताना है कि जो है इंडोनेशिया के ओ आप, ओके पहले आप ये बता दो पेस एक्स एक्साइज बीच में होती है दूसरा पॉइंट ये बताना है टाइप बताना है कि क्या कौन सी है मिलिट्री है नेवल है एयरफोर्स है उसके बाद आपको बताना है इंडोनेशिया के जो है प्रे, आपके प्रेसिडेंट कौन है उनका आपको नाम बताना है उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ सॉरी जो इसकी आपको देखने को मिलेगी कैपिटल देखने को मिलेगी कैपिटल कहाँ पर देखने को मिलेगी राइट और इसके बाद जो है आपको ये देखने मिलेगा इनकी करेंसी क्या है उसके बाद आपको ये बताना है कि जो इंडियन नेवी है इंडियन नेवी है इसके चीफ ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कौन है वो बता आपको बताना है साथ में हेडक्वार्टर कहाँ पे है ओके गाइस पॉलिटी में आज हमारे पास कोई भी समाचार नहीं है इन्वायरमेंट में कोई भी समाचार नहीं है सबमिट एंड कॉन्फ्रेंसिस में कोई भी समाचार नहीं है साइंस एंड टेक में कोई भी समाचार नहीं है इकोनॉमी में एक हमें समाचार देखने को मिलेगा जहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी का जो नया सीईओ बना है इनका नाम क्या है पद्म कुमार नायर ठीक है इनको हम पी के नायर भी कहते हैं अस पूरा नाम इनका क्या है पूरा नाम है इनका पद्म कुमार जो नायर हैं ये बेसिकली क्या बने हैं नेशनल एसेट रिकन्स्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं इनके सीईओ बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनेंगे अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा सर ये नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती क्या है पहले आप ये तो बता दो तो बेसिकली समाइम क्या होता है समटाइम जो है आप में आप ये मान लो कि फॉर एन एग्जाम्पल दिस इज कॉल्ड बैंक ठीक है ये एक बैंक है और ये भी क्या है यह आरबीआई है ठीक है और यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कस्टमर देखने को मिलेगा ठीक है कस्टमर देखने को मिलेगा अब बैंक ने क्या किया बैंक ने लोन दिया कस्टमर को ठीक है बैंक ने लोन दिया कस्टमर को और कस्टमर ने क्या सोचा था कस्टमर ने सोचा था मैं एक बिजनेस लगाऊंगा इस बिजनेस से जो मेरे को मुनाफा होगा इसके द्वारा मैं बैंक का लोन वापस कर दूंगा लेकिन सम टाइम क्या होता है सम टाइम आपको यह देखने को मिलेगा कि ये जो है बिजनेस क्या हो जाएगा फेल हो जाता है अब क्या कस्टमर जो है ये लोन को चुका पाएगा लोन को नहीं चुका पाएगा तो यहां पे क्या बन गया ये जो लोन बन गया ये क्या बन गया बैड लोन बन गया ये क्या बन गया बैड लोन बन गया अब क्या करेगा अब जो है जो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज होती हैं ये बेसिकली क्या करेंगी ये इसकी हेल्प करती हैं इन बैड लोन्स जो है बैड लोन्स को कहीं ना कहीं क्या करने की रिकंस्ट्रक्ट करने की जो है कोशिश करती है इनको जो है गुड लोन में कन्वर्ट करने की कोशिश करती हैं तो ये इनका सारा का सारा काम होता है ताकि जो है अच्छे से बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा अच्छे से चल पाए राइट तो ये होता है तो नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनीज है इनका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है इनका नाम क्या है पद्म कुमार नायर ये आपको पता होना चाहिए पीके नायर क्या बने हैं सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं ऑफ़ द नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और इसी के साथ जो है हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं आई होप ये जो है वीडियो आज थोड़ी लंबी जरूर हो गई होगी बिकॉज इसमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा चाहिए थी इसमें कहीं ना कहीं कंसेप्ट के साथ चीजें समझने की जरूरत थी ज्यादा रेदर देन हम कहीं ना कहीं रट्टा मारने के लिए जाते ओके तो यदि मैं बात करता हूँ कि अब आप यदि पीडीएफ चाहते हो जैसे ये पीडीएफ है जहां पे मैं एक पेज के अंदर सारी सारी चीजें समराइज कर देता हूं तो यदि आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ सर कहाँ पे मिलेगी उसके लिए आपको जाना पड़ेगा सर कहां पे उसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा टेलीग्राम पे टेलीग्राम पे जाओगे तो सर्च करना क्या है आपको आपको करना है सर्च चंडीगढ़ करियर ग्रुप जैसे सर आपने चंडीगढ़ करियर ग्रुप आपने क्या किया सर्च किया वहां पे आपको अराउंड जो है कितने मेंबर देखने को मिलेंगे अराउंड टू फोर्टी वन वहां पर है उसको ज्वाइन कर लेना है और आपको क्या देखने को मिल जाएगा आपको पीडीएफ मिल जाएगी और ये पीडीएफ एज अ रेफरेंस अपने पास रख सकते हो और इससे रिवाइज कर सकते हो रेदर देन इतनी बड़ी पीडीएफ को कैरी करना राइट आई होप यहां से आपको अच्छे समझ में आया होगा यदि मैं बात करता हूं कि खुद के बारे में बात करना करना चाहता हूँ यदि मैं तो यदि आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो और कोई भी डाउट आपका इस वीडियो में आता है वो आप पूछना चाहते हो तो आप कहाँ पे पूछ सकते हो सर इसके लिए जो है आपको क्या करना है टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ पे ये लिख देना है एन ए आर ई एन डी वी आई पी जैसे आप ये सर्च करोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा नरेंद्र शर्मा आपको देखने को मिल जाएगा और नरेंद्र शर्मा जो है बेसिकली मेरी प्रोफाइल है किसके ऊपर टेलीग्राम के ऊपर तो आप जो भी आपको डाउट लगते हैं जो भी आपके स्टडी से रिलेटेड डाउट है यू कैन आस्क दो राइट एंड आई होप गाइज कहीं ना कहीं यू इंजॉयड दिस वीडियो यदि आपको अच्छी लगी है वीडियो तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एप्रिशिएट इट और आप एप्रिशिएट कैसे कर सकते हो उसके लिए जो है आप लाइक like का जो बटन है वो प्रेस कर सकते हो जिससे मुझे पता चल जाए कि मेरे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं मेरी वीडियो को अच्छा जो है इंजॉय कर पा रहे हैं जहाँ पे आपको लगता है स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट कि सर हमें जो है इस वीडियो में ये चीज़ें ऐड करनी चाहिए ताकि ये वीडियो और एक और अच्छी बेहतरीन वीडियो बन पाए तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन जो है क्या कर सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हो यदि आप चाहते हो कि आपको डेली इस वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए

तो यहां पे भी आपको सोचना नहीं चाहिए और सब्सक्राइब चुपचाप कर लेना चाहिए इसी के साथ में यहीं पे जो है एंड करता हूं इस वीडियो को थैंक यू सो मच